नमस्कार, बिहार डेटा न्यूज में अपना स्वागत है। मैं मनोज श्यामा राम नवा यज्ञ आज से प्रारंभ हुआ। आज से जो श्रद्धालु है और यहाँ के व्यवस्था और मैनेजमेंट हमारे साथ कमला बाबू होंगे। कमला बाबू को काफी ज्यादा अनुभव है और इस बार नई कमेटी के द्वारा पहली बार पूजा करा होगा। क्या कुछ विशेष चाक चौबन व्यवस्था सुरक्षा के अब तक सुविधा के लिए पहले से ज्यादा बृहद व्यवस्था चल गई है। कीर्तन मंडली के 13 मंडली है, सबके समय निर्धारित है, सबका काज बढ़िया से भ रहा है, सुरक्षा के छे पूरा व्यवस्था है, कतौ कोई दिक्कत न। हाँ, संतुष्ट छे बात। हाँ हाँ, पूरा चलिए कमला बाबू अच्छा है। इस बार नई कमेटी के गठन के बाद पहली बार पूजा हो रही है श्यामा नाम तो पिछले बार से इस बार क्या बेहतर है, क्या कुछ नया बदला गया? बहुत ही बदलाव भी आया है और किसी बात की अपेक्षा आप देख रहे हैं कि भोजन की व्यवस्था किसी बात नहीं थी। भक्तों की सुविधा के एक नॉमिनल 25 रुपया में सामान्य भक्त भोजन कर सकते हैं उनकी व्यवस्था, और नवाह की अवधि में 10 बजे प्रातः से लेकर रात्रि के 10 बजे तक व्यवस्था रहेगी। शाम अखाली जो खाली दिया जा रहा, अभी लोग आरोप लगा रहे थे इसमें चावल मोटा चावल दाल है, एक आलू का सब्जी है जनरल उसमें 10 वाला और एक भुजिया है, तो 25 रुपया में ये लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो बाहर बोलते क्या श्यामा मंदिर करवा रही है। ये आरोप लग गया है जो प्रोफेशनल हो गया उसको और जो है बेहतर गुणवत्ता पर खाना दिया जा रहा है। आप एक बार चेक किए अभी इसको क्या? मैं आना नहीं खा रहा हूँ, मेरा पेट मैं इसलिए नमक नहीं खाता हूँ, मैं देख नहीं कर पाता हूँ। सब नियम आप खाए थे वही थाली खाए थे, विधायक वगैरह खाए थे और ऐसा नहीं है, बहुत ही गुणवत्ता पूर्ण। एक बार आप चेक करवा लीजिएगा। हाँ, आरोप ठीक है। इसके अलावा और जो कार्यक्रम जो क्या कार्यक्रम है आप कार्यक्रम आगे बढ़ विभाग के भारत पंत जी के संयोजकत्व में यह जो मुख्य कार्यक्रम है श्यामा नाम धुन की धारा बह रही है, धारा बहती रहेगी। हमने चारों द्वार का नामकरण इस बार कर दिया है और नामकरण महाराजा के नाम, इस महाराजा के नाम से जो मंदिर संबद्ध है उस महाराजा के नाम पर द्वारों का नामकरण हुआ है। विधि व्यवस्था के लिए प्रशासन ने हमें ज्यादा रोज के लिए सिक्योरिटी के लिए अनुरोध किया है, अपने स्तर से हम लोगों ने अधिक सिक्योरिटी बढ़ा दिया है। तो हमने आप देख ही रहे हैं यह सब जो भवन वगैरह बना है ये सब भक्तों की सुविधा के लिए ही भवन को हमने बनवाया है। ये क्या है जरा संघर्ष आए हैं जो लगातार जहाँ कमेटी का जहाँ होता है यहाँ पर लोगों के तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए माँ श्यामा मंदिर में इस बार नई न्यास समिति की जो कमेटी गठित हुई है, क्योंकि पहले प्रबंधक हो या कमेटी पर आरोप लगे थे, कई तरह की जांच बैठी गई थी, यहाँ तक कि पहली बार इस तरह की जांच बैठी और अब नए प्रभारी प्रबंधक के रूप में क्या नाम है आपका? अच्छा, आपके ऊपर इस बार जिम्मेवारी है, नई पहली बार हो रहा है आप लोग के नेतृत्व में, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ नया आप कर रहे हैं इस बार, कुछ पहले से कुछ नया कुछ लगना चाहिए कि नई कमेटी कुछ बेहतर काम कर रही है? कोरोना के बाद जगह भी चेंज हो गया था, जो मंदिर के दक्षिण साइड में सत्संग भवन में ये नवाह का कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन इस बार भगवती की कृपा से समिति का निर्णय हुआ यही बेहतर होता है। चूँकि लोगों को भी ये आस्था थोड़ा गलत था, क्योंकि वहाँ पर मैं कैसेट चल रहा है कि कीर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसीलिए यहाँ पर होना चाहिए। तो इस बार का समिति जो है सो यहाँ पर मैंने निर्णय लिया और माँ के भक्त बहुत प्रसन्न है, जो वो आनंद से यहाँ पर मैं घूमते हुए कीर्तन कर रहा है, घूम रहा है, आनंद ले रहा है।
यहाँ की जो व्यवस्था है वो आपके निगाह में है, आपके कंट्रोल में है, आप उसको पूरी तरह नियंत्रित कर रहे हैं या फिर कुछ अलग अलग विभाग बांटे गए, किस कौन कौन से व्यक्ति यहाँ के कमेटी में कौन कौन विभाग देखे हैं? सबका अलग अलग विभाग है। जब बता दीजिए कौन कौन से विभाग कौन देख रहे हैं। कमलाकांत जी देख रहे होंगे, त्रिपाठी जी देख रहे होंगे, सब देख रहे हैं। वो सचिव हो या उपाध्यक्ष हो या इसके समिति के अंदर में जितना भी व्यक्ति है वो सब अलग अलग उसका विभाग है। वो मंदिर हो चाहे भंडारा हो, प्रसाद वितरण वाला हो, चाहे भक्तों को आने जाने वाला जो भक्त आता है उसको देखरेख में हो, चाहे क्या कहते हैं ये गाड़ी बाहर वाहन पार्किंग वाला हो, सबका देखरेख समिति समिति के अंदर में है। तो अलग अलग को सब अलग अलग दिया, राजा अलग अलग कर रहा है, सबका अलग अलग व्यवस्था है। अच्छा, इस बार जो चढ़ावा चढ़ेगा उस चढ़ावा का पिछली बार बहुत तरह के आरोप लगे थे, इस बार चढ़ावा जो चढ़ रहा है चाहे सोने चांदी वाला अलग हो तो क्या होगा उसका, किस तरह के उसका समिति के अंदर में समिति का सदस्य सब अपना अपना व्यवस्था के ढंग से उसको तहकीकात करेंगे। तो हम बता दें कि पिछली बार कई तरह के आरोप लगे थे और उसके आरोप की वजह से थोड़ी सभा में कमी आई थी, लेकिन इस बार पूरे जोश के साथ एक बार फिर से न्यास समिति के द्वारा इस बार जो नवा यज्ञ प्रारंभ की जा रही है एक बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि उस समय इतने वर्षों तक जो भी चढ़ावा चढ़ा था चाहे गहने आभूषण उसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसे बाद में जांच पाया गया, जांच भी बैठी थी, कार्रवाई भी हुई। इस बार बड़ी जवाबदेही के साथ लोग करना पड़ा है, लेकिन एक एक व्यक्ति समिति का अगर अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करेगा तभी समाज के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा। देखते रहे बिहार में, धन्यवाद।